हेलो गाइस, सो यार जो भी KUPY एस्पिरेंट्स हैं उनकी क्वारीज लगातार आ रही है, बिकॉज KUPY वाले जितने भी बच्चे हैं उनके एग्जामिनेशन के भी आई थिंक 2 से 3 दिन बचे हैं। 22 को आई थिंक आपका एग्ज़ाम है, और एक बड़ा क्वेश्चन था कि भैया क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो 11th क्लास वाले हैं जो KUPY का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आई थिंक वो जो है फर्स्ट टाइम जो है जिन्होंने कभी अगर ओलंपियाड दिया हो पहले, लेकिन जो है फर्स्ट टाइम आई थिंक वो एग्ज़ाम देंगे, वो भी कंप्यूटर के ऊपर, राइट। एंड तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। एंड एक ये क्वेश्चन था कि भैया जो है उसी दिन CMI का भी एग्ज़ाम है, तो इन स्टूडेंट्स का क्या सारा थीन था, तो पहले भी इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है, तो चलिए देख लेते हैं क्या सारा सीन है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि आपको लेके क्या क्या जाना है, राइट। सो यार आप जो है एक या दो पेन लेके जा सकते हो, ठीक है। आपको बेसिकली जो एग्ज़ाम होगा वो होगा कंप्यूटर पे, राइट, एंड एग्ज़ाम सेंटर पे होगा। अब मैं आपको कुछ उसकी स्पेशल बातें बता देता हूँ। यार जो है बेसिकली वहाँ पे बहुत सारे टीम मेंबर्स होते हैं, एक रूम के अंदर आपको कम से कम 2 से 3 2 इन्विजिलेटर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट की क्या क्वारी होती है कि भैया हम गाँव में रहते हैं, हमें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता, तो बेसिकली आपको क्या करना होता है यार, जो कंप्यूटर है उसके ऊपर जो है आपको बेसिकली कुछ भी नहीं करना, और आप उसके कितने भी बटन दबा दो वो जो है स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ वो एक टेस्ट ही रहेगा, यानी कि आपका KUPY बस इतना सा ही रहेगा। आप कुछ भी कर लो वो कहीं भी स्प्लिट नहीं होगी स्क्रीन, या फिर वो कहीं भी किसी भी विंडो पर कहीं भी नहीं जाएगी, सिर्फ वो एक ही एक ऑप्शन होगा, यानी कि आप ये भूल जाओ कि वो एक कंप्यूटर है, वो कोई कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं है, आप ऐसा मान के चलो। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको KUPY ही दिखेगा, आप किसी भी पोर्टल पे नहीं जा पाओगे। तो जो है वैसे तो वहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वहाँ पे जो है माउस से बस क्लिक क्लिक करना है, और भी ज़्यादा कुछ झंझट वाला काम नहीं है, जैसे कि आपको कुछ समझ नहीं आए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक जो है आपको पेपर प्रोवाइड किया जाता है उनकी तरफ से, आपको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर जो है उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, आप जो है पेन लेके जा सकते हो अपना कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और आपको क्या करना है यार, आपको जो है कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको फॉलो करना है, एंड जस्ट लाइक जो आपको मास्क लगा के जाना है, सैनिटाइजर आपके साथ में होना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज कर ले बिकॉज दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और हाँ, ट्राई करें कि आपको जस्ट वैक्सीनेशन लगा हुआ होना चाहिए, वैसे तो ये सब कुछ एडमिट कार्ड के अंदर ऑलरेडी मेंशन किया गया है, आपको वैक्सीनेशन लगा हुआ होना चाहिए। आई होप आपने 2 वैक्सीन लगा लिए होंगे, अगर नहीं लगाए तो आप लगा लीजिए प्लीज़, ठीक है। एंड जस्ट पानी का बोतल आपके साथ होना चाहिए, बिकॉज इन दिस सिचुएशन पानी वगैरह का सारा सीन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वारी थी कि भैया हमारा जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत दूर है, अगर हम आधा घंटा एक घंटा लेट पहुँच जाए तो क्या चलेगा, तो यार आप बिल्कुल ट्राई करें कि जब आपका जो एग्ज़ाम सेंटर का टाइम दिया गया उससे एक घंटा पहले पहुँचने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी व्हीकल में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं, अगर कुछ इमरजेंसी हो गई, टायर पंचर हो गया या फिर अदर कुछ हो गया, तो फिर आपका क्या होगा, अगर आधा घंटा भी लेट हो जाते हैं देन जो है हो सकता है वो लोग आपको अंदर घुसने ही ना दें, राइट। बेसिकली जो आपके एग्जामिनेशन होते हैं ये जो होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर होते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजों में जो प्रोफेसर्स होते हैं वो जस्ट लाइक अपने आप को ये समझते हैं आई एम बापू, ठीक है। प्रेजेंट टाइम यही जनरेशन चल रही है, तो वो जस्ट केयर नहीं करते, वो समझते नहीं है ज़्यादा, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महान समझने लगते हैं। तो आप यार किसी को क्यों मौका दो अपने ऊपर कुछ बोलने का, क्यों रिक्वेस्ट करनी पड़े आपको, तो जस्ट आप यही ट्राई करो कि आपको अगर 8:30 बजे बुलाया जाता है या फिर 8 बजे बुलाया जाता है तो आप 7:30 तक ही चले जाओ वहाँ पे, राइट। एंड जो है यही सिंपल इन्फॉर्मेशन था, एक कार्ड का था कि भैया क्या क्या लेके जाना है, सिंपल आधार कार्ड लेके जाए तो चलेगा क्या, तो यार उनको जो है सिंपल आपको प्रूव करना है कि दिस इज मैं। अब आधार कार्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को जो है अपडेट नहीं करके रखते हैं, आधार कार्ड मान लो 5th क्लास में बनवाया था वही फ़ोटो लगा हुआ है, और अभी आप 12th क्लास में या 11th क्लास में हो चुके हो, 5 साल हो चुका है, 5 साल बाद में आपकी बॉडी में पता नहीं क्या क्या चेंजेस हो गया है, ठीक है, क्या चीज़ क्या कितनी बड़ी हो गई है किसको क्या पता, राइट। सो जस्ट आप इसके बारे में सोच सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है बच्चे अपडेट नहीं कराते हैं और आधार कार्ड में फ़ोटो कुछ साफ दिखता नहीं है, तो जस्ट आपके पास अगर आधार कार्ड है देन मस्ट ट्राई, आप आधार कार्ड तो लेके जाइए। और बेसिकली जो 12th वाले बच्चे हैं या तो आपके पास स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड होगा, या फिर जो 12th वाले बेसिकली है वो अपना जो है बोर्ड का जो आपको एडमिट कार्ड मिला था 12th बोर्ड का, एक तो वो ले जा सकते हो।
या फिर आपका जो आईडी कार्ड मिला था स्कूल वाला वो भी डाल के जा सकते हो, ठीक है। और बेसिकली आधार कार्ड से चल जाता है काम। और ध्यान रखना है कि आपकी फ़ोटो थोड़ी थोड़ी मैच हो जाए उससे। अगर फ़ोटो मैच नहीं हो रही है देन थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, वो लोग चेक करने लगते हैं कि भैया कोई गलत तो नहीं आ गया। बेसिकली ये थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तब से ज़्यादा होने लगी है, बिकॉज बहुत सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, किसी भी जो भी ट्रेंड बंदे होते हैं उनको जस्ट लाइक बेला फुसला के कुछ पैसे दे के जो है अपने इंस्टीट्यूट के किसी बच्चे की रेपुटेशन के लिए या फिर इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन के लिए पढ़े लिखे बच्चे को दूसरे बच्चे की जगह सेंड कर देते हैं। तो इस कारण थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रहती है आजकल ज़्यादा ही, आप इसका बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है। और जस्ट खूब अच्छे से जाइए और फोड़ दो यार की UPY को, और तुमसे बहुत उम्मीदें हैं हमें, और इन फ्यूचर हो सकता है आने वाले भविष्य के अंदर तुम ही बनोगे और तो कौन बनेगा, क्योंकि IASC के अंदर स्पेशली तुम लोगों को ही पढ़ने को मिलता है। तो जस्ट जो है देश का नाम रोशन करना है तुम्हें ही, तो यू कैन ट्राई नाउ बेटर एंड खूब पढ़िए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।